राम जी के धनुष और हनुमान जी की गदा का क्या नाम था? भगवान राम ने अपने धनुष से और हनुमान जी ने अपनी गदा से बहुत सारे राक्षसों को मारा था, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण और खल्दूसर जैसे राक्षस शामिल थे। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम के धनुष का नाम कुरंग था, जिसका अर्थ बांस का बना हुआ होता है। रावण वध करने वाला यह धनुष बेहद प्रसिद्ध है। अपने धनुष के कारण ही भगवान राम को भी कुरंग कहकर पुकारा जाता था, जिनके बिना भगवान राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शास्त्रों में दावा किया गया है कि भगवान राम का यह धनुष 5.5 हाथ लंबा था, जिससे निकलने वाला बाण हमेशा अपने लक्ष्य को सफलता के साथ भेजता था। कई ग्रंथों में भगवान राम के धनुष को कुडंग के देवताओं का धनुष भी कहा जाता है। यह नाम इससे अचूक लक्ष्य भेदने के कारण ही मिला था। भगवान राम ने कुडंग धनुष के अचूक निशाने के कारण ही रावण की नाभि में मौजूद अमृत को तीर मारकर सुखाने में सफलता हासिल की थी। राम के कुडंग धनुष के नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया है। इस धनुष को राम के अलावा कोई अन्य योद्धा नहीं उठा सकता था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिन्हें संकट मोचन हनुमान भी पुकारा जाता है। हनुमान जी सदैव अपने साथ गदा रखते थे, जो उनके भक्तों के संकट को दूर करती है। यह बेहद खास गदा हनुमान जी को धन के देवता कुबेर ने दी थी। शास्त्रों के मुताबिक कुबेर ने हनुमान को गदा देते हुए यह भी आशीर्वाद दिया था कि इसके रहते हुए उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। हनुमान जी की इस गदा का एक खास नाम था, जो शायद ही आपको पता होगा। चलिए बताते हैं हनुमान जी की गदा का नाम कौमोद की था। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।